हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पांडुचेरी T20 टूर्नामेंट की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है पर शार्क 11 वर्सेस तस्कर्स 11 के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर मेजर T20 के वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ से आपको KCC T10 के वीडियोज़ मिलेंगे, तो ये सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको, और उसी लिंक से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 9:30 पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी CHM ग्राउंड पुडुचेरी में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ पर न्यूट्रल और बैलेंस है। अभी देखो रन्स की बात करते हैं तो रन्स यहाँ पर ठीक ठाक बनेंगे, 140-150 के आसपास मैक्सिमम स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है, हालांकि रेयर केस में यहाँ पर इससे ज़्यादा भी बन सकता है। चेजिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो ज़्यादातर यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है। अभी देखो कल दोनों ही मैच यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती थी, लेकिन इसके पहले 10 मैच की बात करूँ तो 10 में से 9 मैच यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम ने जीती थी, एक मैच अबांडोनेड हुई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, तो टीम टॉस जीत के पहले चेज करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर शार्क 11 की, जो कि 10 मैच खेली, 7 मैच जीती और 3 मैच हारी। ओपनिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो आर प्रवीण के साथ यहाँ पर शिवा मुर्गन एम ने ओपनिंग करवाया। बात करें यहाँ पर आर प्रवीण की, तो ये दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से। लास्ट मैच के अंदर 34 रन किए, इसके पहले 22 किए। मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर इनको इनके बारे में मैंने स्पेशली बताया था कि इस प्लेयर को जरूर ट्राई करेगा, और लास्ट मैच के अंदर भी हमारी टीम के अंदर ही थे यहाँ पर आर प्रवीण, और आगे भी आप लोग इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंसी से आपको बैटिंग से परफॉर्मेंस देगा। इनके अलावा ऐसे शिवा मुर्गन एम इतने अच्छे टच में नहीं है, हालांकि दो बार इन्होंने अच्छे स्कोर किए यहाँ पर 56 और 34। इनके अलावा यहाँ पर भी इन्होंने 24 रन किए थे, तो भरोसा कर सकते हैं आप शिवा मुर्गन एम के ऊपर। बाकी यहाँ पर लोकेश पी की बात करते हैं, लोकेश पी ने 50 किए, यहाँ पर 32 किए, मतलब इनको ज़्यादातर मौके मिलते नहीं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर इनको वन डाउन खेलने का मौका मिला, जहाँ पर इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। अगर यहाँ पर अगली मैच के अंदर भी टॉप में खेलेंगे तो यहाँ पर टॉप लेवल का परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन लास्ट मैच की बात करूँ तो कई सारे अच्छे प्लेयर्स खेले नहीं थे, क्योंकि ये जो टीम है यहाँ पर लगभग ऑलरेडी सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, तो इसीलिए यहाँ पर बड़े प्लेयरों को आराम दिया गया था। तो उस कंडीशन में यहाँ पर लोकेश पी और यहाँ पर शिवा मुर्गन एम दोनों ही यहाँ पर टॉप में खेलने के लिए आए थे, हालांकि शिवा मुर्गन एम तो इससे पहले भी ओपनिंग करवाए थे, लेकिन लोकेश पी का बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म नहीं है। कार्थी राजा यू लास्ट मैच खेले नहीं थे। बाकी मोहित मिट्टन लास्ट मैच के अंदर एक ओवर की गेंदबाजी करवाई, बैटिंग से इन्होंने 10 रन किए। मेरे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस एक बार फिर से रहेगी, क्योंकि लगभग हर एक मैच के अंदर कप्तान मेरे यहाँ पर मोहित मिट्टन ही रहे हैं, और आगे भी हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस मोहित मिट्टन ही रहेंगे। रिस्क आप लोग लेना चाहो तो यहाँ पर आयुष शर्मा के ऊपर ले सकते हैं, जो कि पिछले दो मैच के अंदर कुछ खास नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 51 रन किए थे, तो भरोसा करना चाहो तो कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे वीरेंद्र प्रताप सिंह चौहान की बात करते हैं, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है। अभी देखो यहाँ पर वो 3 मैच खेले जहाँ पर 2 बार वो अंडे दे चुके, मतलब 2 बार 0 पे आउट हो गए, लास्ट मैच के अंदर इनकी बैटिंग नहीं आई। पांडुचेरी T10 की बात करो तो वहाँ पर रेगुलर इन्होंने पूरी टूर्नामेंट के अंदर ओपनिंग करवाया था, जहाँ पर बात करूँ तो एक बार यहाँ पर 58 किए थे, इसके बाद 47 और 37 जैसे कुछ अच्छे स्कोर किए थे, तो मतलब इनके पास काबिलियत है अच्छे बड़े और परफॉर्मेंस करने की। तो ध्यान में रखिएगा, इनको रिस्की तौर पर आप लोग GL वगैरह में ट्राई कर सकते हैं। साई हरिराम के की बात करते हैं, जो कि कंसिस्टेंसी से विकेट्स निकाल रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दिखेगा ये बैटिंग सेक्शन से, भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंसिस्टेंट है यहाँ पर पूरी, मतलब पिछली 3 मैच के अंदर विकेट्स तो निकाल रहे हैं, प्लस यहाँ से बैटिंग करने का भी इनको जब भी मौका मिलता है तब बैटिंग से भी अच्छा ही करते हैं, तो भरोसा करिएगा इनको। एस कलाईमानन, जो कि लास्ट मैच के अंदर पहली बार के लिए बैटिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है, इनका पिछला टूर्नामेंट भी कुछ ऐसा ही था, रिस्की रहेंगे, GL में ट्राई करोगे। जी टी गोपाल की बात करते हैं, जो कि लास्ट मैच के अंदर मैंने इनको कैप्टनशिप दी थी, जहाँ पर इन्होंने 2 विकेट निकाली, और आगे मतलब हम लोग इनको एज ए प्लेयर ही लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट मैच की बात करो तो कुछ बड़े प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उसी कंडीशन में मैंने यहाँ पर इनको वाइस कैप्टनशिप दी थी। अगर कुछ बड़े प्लेयर अगली मैच के अंदर भी नहीं खेलते तो वापस भी हम लोग इनके ऊपर रिस्क लेंगे। विशाल कोकर अगर खेलते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना। इनके अलावा ऐसे दीपक चौधरी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस है यहाँ पर रिसेंटली, अच्छा फॉर्म में,
भरोसा करना चाहो तो कर सकते हैं आप पर, क्योंकि 4 विकेट 3 विकेट जैसे बड़े बड़े परफॉर्मेंस दिए उन्होंने। तो दीपक चौधरी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सुब्रमण्यम कन्नन तो विकेट टेकर गेंदबाज है, इनको तो हम लोग बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में यहाँ पर विशाल कोकर के साथ दीपक चौधरी डेथ वॉस में यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर डेथ वॉस में गेंदबाजी हुई नहीं, क्योंकि लास्ट मैच आई थिंक यहाँ पर 7-7 ओवर्स की मैच हुई थी, तो इसके लिए यहाँ पर डेथ वॉस में हुई नहीं। लेकिन इसके पहले यहाँ पर टी अबीज और सभी शक्तिवल ने डेथ वॉस में गेंदबाजी की थी। अभी देखो लास्ट मैच की अगर बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगी। खेल कौन सकता है, तो एक तो यहाँ पर तबाइल अबीस यानी कि टी अबीस खेलेंगे, यहाँ पर सबरी एस है, अरुणाचलम वी है, ये कुछ प्लेयर है जो कि इसके पहले वाली मैच के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर गए थे और एक बार फिर से भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। टस्कर्स की बात करते हैं जो कि 10 में से 4 मैच खेली है, 4 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, 1 मैच अबांडोनेट। ओपनिंग में यहाँ पर मोहन दोस आर के साथ यहाँ पर आकाश आनंद करगावे ने ओपनिंग करवाया। अभी इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो देखो आकाश आनंद करगावे जो है ये पूरे इनकन्सिस्टेंट प्लेयर है, लेकिन जब परफॉर्मेंस देते हैं तब यहाँ पर तगड़ा परफॉर्मेंस देते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी एज अ प्लेयर इनको लेके जाएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन से मोहन दोस आर है जिनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट तो नहीं, लेकिन एक बार 50 रन जरूर किए थे। और अभी के रिसेंटली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आर प्रवीण अच्छे फॉर्म में, तो इसके लिए हम लोग आर के साथ जाएंगे। कमलेश वरन एज ए प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। लास्ट मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया, लेकिन आगे हमारे लिए एक बार फिर से चॉइस रहेंगी। जसवंत सिंह पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट निकाल रहे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बॉलिंग सेक्शन से दिखेंगे आपको लेके जा सकते हैं। नितिन कुमार एस ओके रहेंगे, 3 बाउंड्री लगा चुके, 3 मैच के अंदर 3 बार लगातार 4-4 रन बना के आउट हुए हैं। प्रदीप रोशन आर जीएल में ट्राई करोगे। सागिर यानी कि सतीश जागीर वी के ऊपर रिस्क ले सकते हो, लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, इसके पहले यहाँ पर विकेट लेस रहे, इसके पहले यहाँ पर विकेट लेस रहे, यहाँ पर विकेट लेस रहे, बाकी 2 बार 2 विकेट निकाले, 3 बार 1-1 विकेट निकाले, भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर। मेरी टीम के अंदर तो यहाँ पर पूरी टूर्नामेंट के अंदर मेरी टीम का हिस्सा रहे और मैं तो यहाँ से आगे भी इनको लेके जाऊँगा। कार्तिक बी नायर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। अच्छे टच में यहाँ पर 25 रन के साथ 2 विकेट 1 विकेट, यहाँ पर 4 विकेट 37 रन के साथ 1 विकेट, यहाँ पर मतलब इनको जब भी बैटिंग करने का मौका मिलता है तब बैटिंग से भी फोड़ते हैं और साथ में यहाँ पर ओवर्स तो रेगुलर करवा ही रहे हैं। नमन शर्मा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन 3 बार 3 विकेट निकाल चुका है, तो इसके लिए इनको ड्रॉप करना रिस्की रहेगा। नारायण केआर के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। देखो पहली मैच के अंदर हमको 1-sided विनिंग करवाया था, लेकिन इसके बाद 3 मैच के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। तेजवीर सिंह ओके रहेंगे, जीएल में ट्राई करोगे। स्टार्टिंग में यहाँ पर नमन शर्मा और सतीश जागीर भी डेथ वॉस में, यहाँ पर नमन शर्मा के साथ टी सिंह डेथ में डालेंगे और इनके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे। तो जल्दी से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर आर प्रवीण के साथ ही जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो अगर सिद्धार्थ नायडू खेलेंगे तो उस कंडीशन में आर प्रवीण नहीं खेलेंगे, तो मतलब ये दोनों में से जो खेलेगा वो इम्पोर्टेंस रहेगा। मोहनदास आर थोड़े से रिस्की रहेंगे, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर मोहित मिट्टन के साथ यहाँ पर एस हरिराम के, इनके अलावा यहाँ से आकाश आनंद करगावे और सतीश जागीर भी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। सिया मुर्गन यहाँ पर ओपनिंग वगैरह करवा रहे तो ध्यान में रखिएगा। बाकी ए शर्मा एक बार ऐसे 50+ का स्कोर कर चुके हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर ए कमलेश्वरन के साथ जी थिवागर हमारी टीम के अंदर रहेंगी। अभी देखो सुब्रमण्यम के जो कि विकेट्स वगैरह तो निकाल रहे हैं लेकिन खेल रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट में, तो अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं तो ट्राई करिएगा यहाँ पर सुब्रमण्यम के को, बाकी रिस्क रहेगा थोड़ा बहुत इनको लेके जाने में। अगर यहाँ पर टी अबीस खेलते तो सीधा हमारे कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर के बी नायर, दीपक चौधरी, नमन शर्मा और विशाल कोकर रहेंगे। बाकी जसवंत सिंह के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो। कमलेश्वर अगर आप लोग कमलेश्वरन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो तो उस कंडीशन में आप लोग जसवंत सिंह को ले लेना। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान रहेंगे मोहित मिट्टन, वाइस कैप्टन के बी नायर को किया हुआ है। बाकी आप लोग इस टीम से आप लोग कमलेश्वरन को वाइस कैप्टन वगैरह कर सकते हैं। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कुछ बदलाव वगैरह रहेंगे तो फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर ही हमारी जो भी फाइनल स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम में ही मिलेंगी। तो जल्दी से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वहीं पर ही मिलेगी और उसी लिंक से ही ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो,
शेयर कर सकते हो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि भाई बहुत सारी टूर्नामेंट्स चल रही है और सारे अच्छे मैचेस की वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी सी टीम बनाओ, अच्छी से अपनी खुद की टीम बनाओ। सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है, तो आप लोग थोड़े बहुत चेंजेस करके ऐसी टूर्नामेंट्स के अंदर यहाँ पर अच्छा खासा रैंक हासिल कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।